डियर स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। ये मैंने एक आपका एक ये बना कर रखा हुआ है चार्ट, ताकि टाइम वेस्ट ना हो वीडियो में, ठीक है, और मैक्सिमम टाइम मिले हमें एक्सप्लेन करने के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बहुत बार इसमें से, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं बीच बीच से, या पूरा क्वेश्चन भी आता है इसमें, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम या कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम दोनों सेम है। अगर एग्ज़ाम में आपको कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आएगा तो पहले आप ये चार्ट बनाएं, ठीक है। चार्ट बनाना बड़ा सिंपल है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे। तो आइए बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम या कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करेंगे। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम अगर हम देखेंगे तो मेनली दो हिस्सों में डिवाइड किया है, बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक को हम लिविंग भी बोलते हैं, बायोटिक, ठीक है, बायो लिविंग, एबायोटिक नॉन लिविंग, ठीक है, इसको हम नॉन लिविंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग, यानी इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो मेनली कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? दो हिस्सों में, बायोटिक जिसमें लिविंग आता है, एबायोटिक नॉन लिविंग आता है। बायोटिक में मेनली तीन आते हैं, ये याद रखना, ठीक है, बायोटिक में मेनली तीन आते हैं, प्रोड्यूसर्स, ठीक है, एक, दूसरा आता है आपका इसमें कंज्यूमर्स, और तीसरे आते हैं डिकम्पोजर्स। तो बायोटिक में तीन आते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स, नाम सुना होगा आपने, ये हम एक्सप्लेन करूंगा अभी मैं ये सब। ए बायोटिक में तीन फैक्टर्स आते हैं, फिजिकल फैक्टर्स, इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस और ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस, ठीक है। पहले हम बात करेंगे प्रोड्यूसर्स के बारे में, ठीक है, यानी बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करेंगे पहले, ये वाला पोर्शन, बायोटिक कंपोनेंट्स यानी जिसमें आपके आते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स से सबसे पहले बात करेंगे प्रोड्यूसर्स। तो जैसे आपको पता है, प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं? ग्रीन प्लांट्स को, ग्रीन प्लांट्स। तो प्रोड्यूसर्स उनको बोलते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। ये आपने पढ़ा है लोअर ये क्लास 10 में, प्रोड्यूसर्स के बारे में, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब इसमें दो आते हैं, एक को बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स, थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा आपको क्लियर हो जाएगा, एक हो गया फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना लाइट की मदद से बनाते हैं, फोटो, फोटो मीन्स लाइट, यानी जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कैसे बनाते हैं क्या, ये तो आपको पता है, चार चीज़ें ज़रूरत होती हैं, सनलाइट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। दूसरे होता है इसमें और एक प्रोसेस होता है जो अपना खाना लाइट की वजह से नहीं बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉप्स, जो अपना खाना केमिकल्स की, इनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो केमिकल है, ठीक है, यानी जिनको हम बोलते हैं कीमोसेंथिसिस, कीमोसेंथिसिस। यानी प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, एक लाइट की वजह से जो खाना बनाते हैं उसको फोटो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं या फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो जो केमिकल्स की वजह से, ठीक है, जैसे सल्फर बैक्टीरिया है, सल्फर का इस्तेमाल कर रहा है, आयरन बैक्टीरिया है, आयरन का यूज़ कर रहा है, ठीक है, यानी जो केमिकल्स की वजह से जो खाना बनाते हैं उसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। ये आता है आपका किस में? प्रोड्यूसर्स में, क्लियर। तो प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसमें पूरा डिटेल लिखना है, मैं जो अभी भेजूंगा वो आप लिख लेना। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, ठीक है, जैसे ग्रीन प्लांट्स हमारे पास थे प्रोड्यूसर्स, ठीक है, प्लांट्स को किसने खाया तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर्स, ठीक है। तो कंज्यूमर्स वो होते हैं जो मतलब प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड रहते हैं, यानी जो खाना जो है दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स में डिपेंड रहने को बोलते हैं कंज्यूमर। ज़रूरी नहीं कि वो प्रोड्यूसर से ही खाए, ठीक है, दूसरों से जो लेता है उसको, जैसे हम किसी
जी दुकानदार के पास जाते हैं, ठीक है, हम उससे चीज ले रहे हैं ना, तो हम कंज्यूमर बन गए, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स को खाना बनाने की जरूरत नहीं है, ये खुद अपना खाना बनाते हैं, तभी तो इनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, दे मेक देयर ओन फूड, ठीक है। कंज्यूमर्स जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो है वो खाना लेता है, खाने का सोर्स दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ये तो आपने पढ़े हुए हैं। हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स किनको बोलते हैं, जो प्लांट ईटर्स होते हैं, ठीक है, यानी ये डायरेक्ट फीड करेंगे किस पे, ये इनको खाते हैं डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स को। कार्निवोर्स जैसे हमारे पास ये काऊ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमारे पास काऊ है, तो ये बन गया काऊ हमारे पास हार्बीवोर्स, कंज्यूमर बन गया। कार्निवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर जो फ्लैश ईटिंग एनिमल है, ठीक है, वो काऊ को खाएगा, सेम बात है, ठीक है। जैसे हमारे पास काऊ को खाने वाले जो है इसमें मीट ईटर, ये जो गोश्त खाने वाले जानवर हैं, ठीक है, जैसे लॉयन है, टाइगर है, ओमनिवोर्स जो दोनों को खाते हैं, इनको भी खाएंगे, इनको भी खाएंगे, ठीक है, ओमनिवोर्स, ये पढ़े हैं आपने ओमनिवोर्स। डेट्रिवोर्स, ठीक है, डेट्रिटिवोर्स क्या होते हैं, सेफ्रोट्रॉप्स जिनको बोलते हैं, ठीक है, सेफ्रोट्रॉप्स नाम सुना होगा, सेफ्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्लास 10 में पढ़ा है आपने, सेफ्रोट्रॉप्स जो फीड ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो डेड ऑर्गेनिज्म में फीडिंग करते हैं, उनको डिकम्पोज करने में मदद देते हैं, ठीक है। तो ये आते हैं, ये डिकम मतलब उस पर फीडिंग करते हैं जो मुर्दा जानवरों पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके वल्चर्स हैं, ठीक है, वल्चर्स जो है वो सफाई करता है आपका इन्वायरमेंट का, क्योंकि जो जैसे कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, ठीक है, तो उसको वल्चर्स, ये ऐसे होते हैं जो डेड पे ही जो है वो फीडिंग करते हैं, ये लिविंग पे नहीं, डेड वालों को ही खाते हैं, ठीक है। तो वल्चर्स इसका एग्जाम्पल है, डेट्रिटिवर्स। उसके बाद जो आते हैं इसमें तीसरे होते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स और डिट्रिट्यूवर्स में फ़र्क है, डिट्रिट्यूवर्स वो होते हैं जो फीडिंग ऑन डेड ऑर्गेनिज्म पे फीडिंग करते हैं, ठीक है। अब डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं सैम्पल फॉर्म में, ठीक है, वापस मिला देते हैं सॉइल में, ठीक है। इसमें मेनली जो है वो क्या आते हैं आपके, बैक्टीरिया और फंजे आते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स डिकम्पोज सड़ा देते हैं, पूरा डिकम्पोज करके दोबारा से न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल में फेंक देते हैं न्यूट्रिएंट्स को, तो इनको बोलते हैं डिकम्पोजर्स, क्लियर। तो यहाँ पे बायोटिक में तीन थे, प्रोड्यूसर्स खाना बनाने वाले, ठीक है, कंज्यूमर्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेने वाले, कंज्यूमर्स में भी अलग टाइप्स हैं, डिकम्पोजर्स जो डिकम्पोज करने वाले, जो कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, इनटू सैंपल फॉर्म में, तो उनको डिकम्पोजर्स बोला जाता है। अब बचे एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स में सबसे पहले आते हैं फिजिकल फैक्टर्स। जो फिजिकल फैक्टर्स होता है इन्वायरमेंट का, वो क्या क्या होते हैं, देखो मैं आपको बताऊंगा। फिजिकल फैक्टर्स जो होते हैं उसमें आता है एक आपका, यहाँ पे बात करेंगे फिजिकल फैक्टर्स की। फिजिकल फैक्टर्स में आपका एक तो आता है सनलाइट, ठीक है, शेड, इसके अलावा आता है आपका विंड, ठीक है, इसके अलावा आपका आता है टेम्परेचर, इसके आपका आता है सॉइल टाइप, ठीक है, इसके अलावा आपका आल्टीट्यूड, ठीक है, लेटीट्यूड, आने वाले रेनफॉल, तो ये सब जो है, एनुअल रेनफॉल, ये सब जो है, टेम्परेचर कम है ज़्यादा है, ठीक है, ये सब आते हैं आपके फिजिकल फैक्टर्स में, यानी आपका टेम्परेचर, सनलाइट, लाइट वाइट जो भी है, विंड,
ठीक है, आल्टीट्यूड लेटीट्यूड वो सब जो है इसमें आता है, फिजिकल फैक्टर्स में। अब बात करेंगे इनऑर्गेनिक सबस्टेंस की। इनऑर्गेनिक सबस्टेंस में क्या क्या आते हैं? इनऑर्गेनिक सबस्टेंस में जैसे आपका ऑक्सीजन आता है, वाटर आता है, सॉइल आता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आता है। इसके अलावा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बन है जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, ठीक है, हाइड्रोजन है, सल्फर लेवल है, सॉल्ट्स आते हैं। ये सब जो है आपके जो है इनऑर्गेनिक सबस्टेंस में आते हैं। आप ऑर्गेनिक सबस्टेंस में आपके क्या आते हैं? जैसे प्रोटीन्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, लिपिड्स होते हैं, तो ये सब आपके आते हैं ऑर्गेनिक सबस्टेंस में। तो जैसे डिकम्पोजर्स का मेन मकसद क्या था? जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो जो है किसी ये कॉम्प्लेक्स जो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास सबस्टेंसेस हैं उनको किस में कन्वर्ट करना, सैम्पल फॉर्म में, यानी ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने को बोलेंगे हम डिकम्पोजिशन। तो जो डिकम्पोजिशन करवाते हैं, ठीक है, तो उन्हीं को डिकम्पोजर्स बोला जाता है। तो इनऑर्गेनिक जैसे हमारे पास आए, इससे सॉइल की फर्टिलिटी फिर बढ़ जाती है, प्लांट उसको फिर आप टेक करता है, तो इसी तरीके से ये चलते रहता है, न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग होती रहती है डिकम्पोजर्स की वजह से। तो यहाँ तक आपका ख़त्म हो गया स्ट्रक्चर ऑफ इको सिस्टम। तो इसका मैं अभी नोट भेज रहा हूँ, वो लिख लेना आप, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।